हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मानव दूत बनकर काम कर रही है जोधपुर पुलिस। जोधपुर शहर में लगे कर्फ्यूग्रस्त इलाके में पुलिस एक तरह से मानव दूत बनकर काम कर रही है। वह जरूरतमंद लोगों की हर तरह और हर तरीके से मदद कर रही है, चाहे वो गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाना या बीमार लोगों के घर तक दवा पहुंचाना हो, श्रमिकों को उनके घर नगर भिजवाना हो या फिर लोगों के घर जाकर उनके साथ खुशी के पल बांटना हो। अब जोधपुर कमिश्नरेट के नागौरी गेट पुलिस ऐसा ही एक सेवा कार्य कर रही है जिससे आम जन को काफी राहत मिल रही है। दरअसल नागौरी गेट थाना पुलिस ने अपने कर्फ्यूग्रस्त इलाके में रहने वाले वृद्ध महिलाओं, विधवाओं व जरूरतमंद लोगों को बैंक से रुपए निकालकर लाने के लिए वाहन सुविधा शुरू की है। नागौरी गेट थाना अधिकारी जब्बर सिंह ने बताया कि पुलिस व प्रशासन की तरफ से कर्फ्यूग्रस्त इलाके में मोबाइल ATM वैन व पोस्टमैन के जरिए नकदी भुगतान की व्यवस्था की गई थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साइन, अंगूठे अथवा किसी अन्य कारण के भुगतान नहीं हो पा रहे हैं, तो उनके लिए पुलिस की तरफ से संबंधित बैंकों में संपर्क कर उपभोक्ताओं को लाने ले जाने की सुविधा शुरू की गई है। पुलिस के वाहन में 5-7 जरूरतमंद लोगों को कर्फ्यूग्रस्त इलाके से संबंधित बैंक ले जाया जाता है और फिर उन्हें वापस घर छोड़ा जा रहा है। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाता है। वाहन में एक पुलिसकर्मी भी साथ जाता है। इस सेवा से कर्फ्यूग्रस्त इलाके की कई जरूरतमंद महिलाओं व अन्य लोगों को राहत मिली है। बता दें कि इससे पहले भी नागौरी गेट थाना अधिकारी के प्रयासों के कारण शीतला माता के मेले में गुजरात से झूले व दुकानें लगाने आए गरीब 50 से अधिक लोगों को उनके गृह नगर भिजवाया गया था। वे लोग यहीं लॉकडाउन में फंस गए थे। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।